शार्प फॉल और हो सकता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। एफआईडीए का डेटा देख लेते हैं, मार्केट के कुछ अपडेट्स देख लेते हैं एंड ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे एंड मार्केट को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्ट एफआईडीए का डेटा हम देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज से अगर हम डिकोड करेंगे तो ऑलमोस्ट सेलिंग कर रहा है। एफआईआईस डीआईआईस ट्राई कर रहा है इसको ओवरकम करने का बाय कर करके, बट उतना नहीं हो पा रहा है ना। जैसे कि आज भी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की सेलिंग की, कल 15,000 करोड़ की सेलिंग की थी FIIs ने। DIIs बाइंग कर पा रही बट उतना नहीं। द थिंग इज दैट स्टिल FIIs अभी सेलिंग के लिए चीज़ें पेंडिंग बची हैं। क्यों बची हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी अगर पैनिक में रिटेलर्स एग्जिट करना चालू नहीं हुए हैं। जब पैनिक में रिटेलर्स एग्जिट करना चालू करेंगे या जो इन्वेस्टर्स हैं जो टॉप पे स्टॉक्स बाय करके बैठे हैं, जबकि समय नहीं था क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड था। अगर आपको इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना आता है तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी की इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल सकते हो। निफ्टी की जो कि अराउंड 20,000 इंट्रेंसिक वैल्यू है और मार्केट 25,000 पे चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी आदमी घबराएगा, है ना। सो द थिंग इज दैट हमको सिर्फ एनालिसिस से मतलब है, बट जो लोग ऊपर बाय करके फंसे हुए हैं ना, अगर ऐसे मार्केट में फॉर एग्जांपल कोई ऑल टाइम 52 वीक हाई पे बाय करके बैठा है तो यार अभी तो हालत हो रही होगी। चलिए देखते हैं अभी हम कैसे रिएक्ट कर सकते अप्रोच कर सकते हैं मार्केट को। जस्ट समेट ऑप्शन चेन हम वो कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, मार्केट आज क्यों गिरा? मे बी ग्लोबल जो भी एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा पैनिक वाला है। अभी भी पैनिक वाला ही है। सेंसेक्स पिछले 5 दिन में 4,100 पॉइंट्स क्रैश करके, जिसमें अराउंड 1,600,000 करोड़ गोन एट सेंसेक्स क्रैशेस। सो जो भी लोग बुक कर रहे होंगे या डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई पे बाय करके बैठे हैं, और अभी अगर इतने 5% गिरा निफ्टी, अगर इसमें अगर वो लोग अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी बुक कर रहे हैं, लॉस बुक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यार लॉसेज इतना हो सकता है 16,00,000 करोड़। ठीक है, सो चलिए ये सब चीज़ साइड में रखते हैं। आज कैसे अप्रोच रहा बैंक निफ्टी को पहले एनालिसिस करेंगे, मतलब देखते हैं अप्रोच, फिर हम निफ्टी को देखेंगे। सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो आज का दिन देखो, मेरे पास पुट शॉर्ट थे कल से। कल जब ये डे लो ब्रेक हुआ था, कुछ पुट शॉर्ट थे जो मैं पोजिशनल लेके चला गया था। सॉरी, पुट शॉर्ट इन द सेंस पुट बाय, ठीक है ना, पुट बाय थे मेरे पास। सो सब सही चल रहा था, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बाय की थी, उसके बाद ये जो रिवर्सल आया इसमें मैंने हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे जाता गया बट मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था तो यहाँ पे मैंने 50 एग्जिट कर दिया था, 50 मेरे पास होल्ड था। और यहाँ पे चलता रहा मैं पोजीशनल लेके आ गया था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा लग रहा था, बट वो एक ही कैंडल में पूरा एकदम शूट करके ऊपर चला गया। ठीक है, सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई मैं बताता हूँ। जो भी ट्रेड्स थे वो सब सही चल रहे थे, फिर जब यहाँ पे ऊपर आया 50 जो भी मेरे पास 50% क्वांटिटी थी वो स्टिल होल्ड थी, क्योंकि मार्केट ऐसा ही हो रहा था, मॉर्निंग में ऊपर जाके फिर वापस नीचे जा रहा था। द थिंग इज दैट मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, 50 EMA पे रिजेक्शन लिया, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था। तो जब यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बनी, मैंने कुछ क्वांटिटी पुट और बाय किया, एवरेजिंग हो गई। ठीक है, फिर मार्केट सही नीचे आ रहा था, फिर ये ऊपर चला गया। मैं अगेन इसी होप में था कि यार नेक्स्ट डे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है मार्केट को इतना फॉल होने के बाद। तो अगेन, और फ्राइडे भी था कि इतना बड़ा मोमेंटम तो कुछ करेगा नहीं, तो अगेन नीचे आया, यहाँ पे स्टिल होल्ड रहा आया मेरे पास, मेरे जो पुट मैंने बाय करते थे। और फिर जब ये इसने डे लो ब्रेक किया तब डर लगने लगा, है ना, क्योंकि 52,000 पे जो ऑप्शन डेटा पे थे ये लोग एग्जिट करना चालू कर दिए थे, फिर डर लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे लॉसेस बुक कर दिए। ठीक है, द थिंग इज दैट यहाँ पे जब मैंने जो एवरेजिंग की थी वो हैवी क्वांटिटी में एवरेजिंग कर दी थी, क्योंकि मुझको लग रहा था कि भैया अब फॉल होने का समय आ गया है, बट थिंग्स थोड़ी अपोजिट चली गई। यहाँ पे हमने SL बुक किया और फिर आज के लिए शांत बैठ गए। और जस्ट उसके बाद ये जो फॉल आया है ये रिग्रेट वाला फॉल था कि यार काश अगर प्रीवियस डे हाई का SL लगा देते तो यार बच जाते। बट द थिंग इज दैट कि आप चार्ट को देख के नहीं SL लगा सकते, आपको पॉइंट देखना पड़ता है, अपना पोर्ट वो सॉरी ट्रेड देखना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रीमियम बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, तो इतना ऊपर होल्ड करते तो यार बहुत बड़ा लॉस देखने लगता। ठीक है, सो फिर जो
था यार, अब वो हो गया, उसमें ऐसा रेड हुआ, फिर मार्केट एकदम फॉल किया, देन आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा पर डे का जो मूवमेंट वो था, रिस्क वो ख़त्म हो चुका था। अभी हम कैसे कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम पे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, नेगेटिव कैंडल बना दिया, 50 EMA के नीचे चला गया है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 52,000 के ऊपर है, 500 पॉइंट जब ऊपर जाएगा, जब भी कोई बाइंग के लिए अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा, और अगर आपकी कोई एनालिसिस रहती तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी ट्रेड कर सकते हो। डाउन साइड के लिए 51,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करते हैं तो 51,500 पे 10 लाख वॉयस हैं जो कि एग्जिट कर रहे हैं, पुट सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं मार्केट में, कॉल सेलर्स बढ़ रहे हैं, सेलिंग प्रेशर हाई है बस मार्केट में भी, ठीक है। ओवरऑल हमको ये समझ में आ रहा है, सो इसमें ज़्यादा कुछ समझ लायक है नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, फॉलो द ट्रेंड। भाई निफ्टी की बात करें, निफ्टी ऑलमोस्ट 50 EMA पे आ चुका है, यहाँ से या तो रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन एक्सपेक्टेड रहेगा। साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000, अगर 25,000 के नीचे, जस्ट अ मिनट गाइस, अगर निफ्टी 25,000 के नीचे चला गया देन फिर एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ से निफ्टी शार्प फॉल और हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल हुआ देन इट इज़ फाइन, बट अगर यहाँ से फॉल होता है देन अगेन मार्केट विल गो गिव अ गुड करेक्शन, ठीक है। सो ये है निफ्टी के लेवल्स। अपसाइड के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 50 EMA के ऊपर जब तक नहीं जाएगा अब बाइंग नहीं करने वाले हैं, है ना, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ये देखो ना, अच्छा खासा बाइंग का प्राइस एक्शन था, ये लोग प्राइस एक्शन की बात करते, ये प्राइस एक्शन ही था, हायर हाइज बनाते जा रहा था और फिर ये क्या सत्यानाशी हो गई, समझ रहे हो बात को। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा ट्रेड सेफली एंड होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अगर हम एक चीज़ बात करें तो निफ्टी एक महीने में जितना बढ़ा उतना ही 4 दिन में गिर गया, तो समझो आप कि कितना मैनिपुलेटेड मार्केट लग रहा है। सो होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना, कुछ अपडेट्स मार्केट के ऐसे हैं नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।